जय श्री राम। मैं पवन यादव अयोध्या से, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं अयोध्या के कुछ नए ओवरब्रिज के निर्माण, जो कि अयोध्या NH-27 मोहबरा बाजार, ये जो मोहबरा जो बाईपास आप देख रहे हैं, सहनवा मोहबरा बाईपास, वहां से हम चलेंगे और आपको पूरा दिखाएंगे टेढ़ी बाजार तक किस तरीके से निर्माण जो है वो चल रहे हैं। फ्लाई ओवर के भी निर्माण चल रहे हैं और नए तरीके से फ्लाई ओवर बनाए जा रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको दिख जाता है और यहाँ से निर्माण जो है वो चालू हो जाता है। ये बाईपास है और यहाँ से अगर आप राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, रामपद जाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप जा सकते हैं। ये रास्ता आप देखो, सारे जगह से निर्माण जो है वो किए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है और ये सीधे श्री रामपद पर निकलता है ये, और टेढ़ी बाजार चौराहे के पास जो कॉम्प्लेक्स है, यानी जो मल्टी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, वहाँ पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। तो भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से बनना, अभी कितना बना हुआ है। अभी यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो खुल रहे हैं इधर मोहबरा बाज़ार वाले रोड पे। ये मोहबरा बाज़ार रोड है, यहाँ पर बहुत सारे होटल आपको मिल जाते हैं। देखिए अभी बहुत सारे होटल का निर्माण भी यहाँ पर हो रहा है। इधर साइड ये आप देखिए, तो कुछ इस तरीके से माहौल है। और आप ये देखोगे तो ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा चौड़ा कर दिया गया है। ये स्वास्तिका होटल है, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं बहुत ही अच्छे रेट में, और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी देते हैं स्वास्तिका होटल। और आगे चलते हैं, मोहबरा बाज़ार के पास पहुंच गए हैं। मोहबरा बाज़ार के पास आपको सीता माता का चूड़ा दिखाते हैं, वो किस तरीके से चौराहे पे लगाया गया है। देखिए अभी कुछ इस तरीके से माहौल है, और आप बताना आपके जो स्टेट है या आप जहाँ से रहते हैं वहाँ पर ठंडी कैसी है। यहाँ पर अयोध्या में जो वेदर है आप देखोगे तो आज 5 तारीख है, 5 दिसंबर, और माहौल आप देखो कितना ज़्यादा ठंड है। बाइक चलाने पे ठंडी थोड़ी सी और बढ़ जाती है भाई। देखिए इधर साइड सब पूरा एरिया आप देखोगे, और कल हल्की हल्की बारिश हुई थी, यानी 4 तारीख को, 4 दिसंबर को। ये मोहबरा बाज़ार है, मोहबरा बाज़ार आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से अब दिखता है भाई। ये जो आप टावर वगैरह आप देख रहे हो, ये जियो का, ये सब हटने वाले हैं। ये मार्केट था, बहुत ही पुराना मार्केट था जो कि टूट गया है आगे से, और इसका फिर से रेनोवेशन और दुकानें जो तैयार हो रही हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं ये सीता माता का चूड़ा है, और ये घूमता भी है अपने जगह पे, ये 360 घूमता है, बट अभी जो इसका कनेक्शन वगैरह नहीं किया गया है क्योंकि मोटर वगैरह जो नीचे लगा हुआ है। ये आप देखो, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है भाई। ये आप जो देख रहे हैं ये सीधे हम चलते हैं रामपथ पे, और आप राम मंदिर अगर दर्शन करना चाहते हैं तो वहाँ पर ही जाकर कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सीता माता का चूड़ा बनाया गया है इधर साइड, ये आप देखो। तो इधर साइड और भी आपको हम दिखाते हैं, ये देखेंगे सीधे हम चलते हैं टेढ़ी बाजार चौराहे के पास। और टेंट सिटी भी बहुत सारी बन रही है जो 22 तारीख के लिए, तो ये चीज़ आप देखें। और बारिश होने लगी है तो वीडियो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा, तो थोड़ा लेंस साफ करते हैं और हम सीधे चलते हैं टेढ़ी बाजार चौराहे तक, और दिखाते हैं आपको किस तरीके से निर्माण जो है और चल रहे हैं। ये देखो भाई आज बारिश का मौसम बना हुआ है, और मैं टेंट सिटी की बात कर रहा था, 22 जनवरी को जो इनॉग्रेशन वगैरह होने वाला है श्री राम मंदिर का, तो इस वजह से जो श्रद्धालु रुकेंगे तो टेंट सिटी के अंदर भी रुक सकेंगे फ्री में, लेकिन जिनको इनविटेशन कार्ड वगैरह मिला हुआ है, निमंत्रण मिला हुआ है, उन्हीं को ही जो है वो दिखाकर वहाँ पर पास, एज आ वो पास रहेगा वहाँ पर उनको मिलेगा, वो कि फ्री में, तो वो स्टे कर सकते हैं, जो कि मोहबरा बाजार से आगे पड़ता है, जो कि NH-27 जाता है। देखिए इधर साइड, उधर विद्याकुंड साइड में ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ते का निर्माण आप देखिए कितना ज़्यादा अभी हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ये देखिए फ्लाई ओवर किस तरीके से निर्माण जो है वो चल रहा है। ये आप देखिए यहाँ पर फ्लाई ओवर का निर्माण जो है वो पूरे अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं, और अलग तरीके से ये जो फ्लाई ओवर है इसको बनाया जा रहा है, जो कि टेढ़ी बाजार चौराहे के पास है और सीधे आपको श्रीराम पथ मिलाता है। ये आप देख रहे हैं ना पूरा निर्माण, यहाँ पर गार्डनिंग वगैरह किया जाएगा इधर साइड में, अभी इतना निर्माण जो है वो पूरे चल रहे हैं। और यहाँ से रास्ता जो है पूरा ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ओवरब्रिज, देखिए किस तरीके से बनाया जा रहा है, और इसका निर्माण देखिए किस तरीके से यहाँ पर किए जा रहे हैं, एज अ धनुष शेप में इसका निर्माण किया जा रहा है, स्टील लगाया जा रहा है मोटे मोटे,
इस ओवर ब्रिज पे। आगे आप मल्टी कॉम्प्लेक्स भी देख सकते हैं, ये रास्ता बंद है। तो मैंने सोचा था कि ड्रोन शॉट से आपको दिखाऊंगा, बट बारिश भी होने लगी है। ये पूरा रेलवे का इधर साइड आपको दिया गया है, जगह दिया गई है, यहाँ पर गिट्टी वगैरह छपा हुआ है पूरा डबलिंग की वजह से। ये देखो भाई, तो कुछ इस तरीके से भाई निर्माण। तो आपने ये टेढ़ी बाजार चौराहे के पास जो ओवरब्रिज देखा, कुछ इस तरीके से निर्माण किए जा रहे हैं ओवरब्रिज के, जो कि मोहबरा बाजार जो बाईपास है वहाँ से शुरू हुआ है और टेढ़ी बाजार कॉम्प्लेक्स यहाँ है, जो मल्टी कॉम्प्लेक्स जो है इसका कुछ चौराहे का कुछ और नाम हो गया, दूसरा नाम हो गया। पहले इसको टेढ़ी बाजार चौराहा कहा जाता था। तो फ्लाईओवर जो पीछे हमारे देख रहे हैं बन रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से बन रहा है और थोड़ा धनुष आकार में बन रहा है। मुझे बताना है ये किस लिए बन रहा है, क्या सपोर्ट के लिए बनता है, जिसको नॉलेज होगी फ्लाईओवर को लेकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाबा टेक केयर, बोलिए जय श्री राम जय दादाम।